क्योंकि जो माजी में हमने गंदम खरीदी, आटा लेते रहे, गंदम भी लेते रहे, वो तकरीबन हमें 6,300-6,400 रुपए मंथ तक लेते रहे। यानी कि ये आप अंदाजा कर लें कि कितनी महंगी हमने खरीदी, और आजकल आधो आध रेट कम है। यानी कि 6,200-6,300 रुपए जब हम आटा ले रहे थे, आज वही रेट यानी कि आधो आध कम है, 3,200-3,300 रुपए रेट मन है गंदम का। अगर हम इकट्ठी लेकर रख लें तो हमारी आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह बखैर, अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई ता फरमाए। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, उसका नेमल बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें से तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह उन्हें भी नेक साले औलाद से नवाजे। जो रिश्तों के तलबगार हैं अल्लाह उन्हें नेक साले रिश्ते अता फरमाए, अपने फजल से अपनी रहमत से नेक साले रिश्ते अता फरमाए, शैतान के शर से महफूज रखे, अपनी मखलूक के शर से भी महफूज रखे। इन्होंने कल जो है अपना पकौड़े बनाए थे, और उसी में से पकौड़ों का आटा बच गया था, यानी कि गूंदा हुआ था, बनाया हुआ था, सारा कुछ मटीरियल हाथी दादी थी, गूंद के रखा हुआ था। जब बच गया तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसको रख लिया फ्रीज़र में। आज सुबह फिर जो है उसी की जो है अपना पकौड़ों की अपना बना रही है पकौड़े, इसी से बच्चे नाश्ता करेंगे। मैं हैरान हूँ उसकी बात के उसके काम के ऊपर कि रात के बच्चे पकौड़े खा के सो गए, और खाली पकौड़े, कोई इसने रोटी नहीं बनाई, और अब भी जो है आटा इसने मला आपकी मामा ने गूंदा हुआ है। चलो जी, अब फिर नाश्ते के बीच में सर पकौड़े और खाली पकौड़े, ऐसे खाना मुश्किल होता है। अपनी माँ को कहो रुक जाओ, बस करे, ज़्यादा ना डाले। रो क्यों रही है? देखिए, ये आपकी मामा रो रही है। किसने मारा आपको? मैंने तो नहीं मारा। मारा तो नहीं है, फिर रो क्यों रही है? ये आंसू साफ कर रही है अभी भी, सूरज आता है आँखों की तरफ, सूरज वाकई आ रहा है आँखों की तरफ। देखे, मैं खुद इस तरफ नहीं देख सकता, अभी मेरी सीधा चेहरे पे उसकी सूरज बेटा, जरा सूरज दिखाओ ऊपर, देखे ये देखेंगे सीधा सूरज यहाँ हमारे चेहरे पे आता है। उसको कहा था सुबह सुबह टाइम से बना लिया, असल में आज जो ना बच्चों की स्कूल की है छुट्टी, पर ये आराम करती रही, नमाज पढ़ के सो गई। मैंने कहा जी बना ले नाश्ता, नाश्ता टाइम से काम ख़त्म कर ले, लेकिन नहीं ख़त्म किया अपना। आज यकम मई है गलबन, हाँ जी, तो स्कूल की छुट्टी है बच्चों की, योम मज़दूरों का दिन जो मनाया जाता है मज़दूरों का, ये नाम की है, अमली तौर पे नहीं है। जो कि दफ्तरों में बैठने वाले जो कोई इतना बड़ा काम भी नहीं करते, इतना बड़ा काम सिर्फ दफ्तर में बैठना है, नीचे वर्कर काम करते हैं, और जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं नाम की पोस्टें हैं, उनकी रिश्वत की जेबें अलग गर्म होती हैं मिठाइयों के नाम से, क्या नाम, मिठाइयों के नाम से, और जनाब ये तोहफा है गिफ्ट के नाम से, उनकी जेबें गर्म अलग, और नीचे जो लोग होते हैं वो अलग, इसी तरह एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। जो कि हकीकी जो मज़दूर हैं, मेहनत करने वाले हाथों को सलाम है हमारा, उन लोगों के बारे में, उनके नाम पे ये कमाई खाते हैं, उनके नाम की कमाई खाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ने हर तरह के वसैल भी दिए, उसके बावजूद ये पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं। अच्छा खासा सफ़ेद पोश आदमी, उसकी कमर टूट चुकी है, एक गरीब आदमी बेचारा क्या करे? वापस उन्हें बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते सही तरीके से, दो वक्त की अच्छी रोटी बना के बच्चों को नहीं खिला सकता। अबू बकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बेटा, अस्सलाम वालेकुम, आप ही तो लाओ, मुझे आप ही तो लगाना पहले, देखो आप तो सुनो ना, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप ही लगाओ पहले, पापा नहीं बाबा, चलो मुझे दो, उधर से भी, इधर से भी, माथे से भी, अब मुझे लगा, बात सुनो, ये मुझे कह रहा था रात में क्या पैसे दिखाओ तो सारा काम हो जाता है, तो क्या कह रहे थे आप रात, क्या लेना था, हैं?
क्या लेना था वक्र बताओ ना। जूस। फिर हैप्पी लगाओगे ना? हैप्पी लगाओ फिर। ये देखो जी, इधर से इधर से इधर से ये देखो जी, इसके साथ वादा हो गया। ये कहता है जूस तब हैप्पी लगाऊंगा, जाओ अपनी अम्मी अम्मी को भी लगाओ, जाओ अपनी अम्मी को भी, पहली तरफ से पहली तरफ से। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये भी सोया हुआ उठ के आ रहा है, सोया हुआ उठ के आ रहा है। हाँ जी ये बेटा आगे कर दिखाओ ना। हाँ जी दोबारा 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 वक्कर दोबारा दोबारा दोबारा। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे जी, नेक बनाए नेक बनाए नेक साले बनाए। लो जी नई नई डिमांड, इसकी बेटे की डिमांड आ रही है जूस की, और इनकी माँ कह रही है वक्कर इधर आ जाओ धुआं इधर आओ, इनकी माँ कह रही है बोतल, वो भी कोक की बोतल हो, कोक की बोतल, बोतल नहीं पिलानी मैंने। नाज हो जी नाज हो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह तंदूरी रोटी लग रही है और लगा रही है नाश्ते के लिए सुबह। अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी और उसका फजल व करम इनाम, अल्लाह ताला का है रिस्क, अल्लाह ताला बरकत दे, सनीदा फरमाए। हमें ये मस्जिद का पंखा तो लड़ गया जनाब, हालांकि मेरे सामने उन्होंने ये चालू करके दिया है और यहाँ आके चालू कराया नीचे चला, फिर अब दोबारा फिर छुट्टी लेके जाना होगा, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। अल्लाह ताला के घर का काम है इसमें, या तो ये इलेक्ट्रिशियन जो हमारे यहाँ बुलाया उसको समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं, अब दोबारा उसको फिर छुट्टी लेके जाना है, क्योंकि अभी अभी मैंने सुबह सुबह इसको मैंने कहा कल हमने इलेक्ट्रिशियन से टाइम का टाइम नहीं दे सका, लेकिन अब जो है ना उसने टाइम दिया है, उससे बुलाया आया ले गया है, लेकिन नहीं चला, कोशिश की फिर भी नहीं चला। फिर हमने ये सप्लाई के ऊपर अपनी के ऊपर कोशिश की, ये नीचे भी हो सकता है कि सुबह ठंडा मौसम है ज़रा करंट का मसला हो, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं चला, क्योंकि सप्लाई के ऊपर तो ये डीसी है चल सकता था, लेकिन नहीं चला। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी और उसका फजल व करम इनाम। गंदम की हर जानब कटाई बड़ी तेजी के साथ जारी है, बाकायदा हमारे तो आस पास सामने 15-20 दिन पहले ही कटाई हो गई थी, 15-20 दिन पहले, और अभी भी इलाके में दायबाएं जारी है, और हम चाह रहे थे कि गंदम खरीदें, लेकिन अगर गंदम ही ली क्वालिटी की गंदम ले लेते तो बेहतर था, क्योंकि हमारी जरूरत जो है साल की थी पूरे की, कम अज कम यानी 50 मन और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मन की जरूरत है, 50-60 मन के दरमियान, क्योंकि इतना इस्तेमाल हो रहा है 4 मन से ऊपर ऊपर महीने में हमारा आटा इस्तेमाल हो जाता है, 4.5-5 मन, कभी 5 मन 4.5 मन और 5 मन के दरमियान हमारा आटा महीने में इस्तेमाल हो जाता है। बच्चे आगे मदद कर रहे होंगे इंशाल्लाह, उनको खुराक देनी अच्छी, यानी कि बच्चों को खुद को भी आया गया मेहमान दुनिया ज़िंदगी का हिस्सा है, दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी रहमत से ये हमारा मसला हल कर दे, क्योंकि ये बहुत अहम ज़रूरी है। आज तक फिर भी सस्ती है गंदम, यानी कि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 39 रुपये रेट है, जबकि यहाँ विलेज में 3200 से 3300 रुपये भी मिल जाती है, 3200 से लेकर 3300 के दरमियान मिल जाती है। दुआ करें अल्लाह ताला इसका इंतजाम कर दे अपने फजल से अपनी रहमत से, ताकि आज हम ले सकें, वरना मैंने पीछे जो आटा खरीदा है वो 6,700-8,000 रुपये मन के हिसाब से, 5,700-8,000 रुपये मन के हिसाब से खरीदा, और 6,200 तक भी खरीदा मैं कला, क्योंकि जो माजी में हमने गंदम खरीदी आटा लेते रहे गंदम भी लेते रहे, वो तकरीबन हमें 6,300-4,000 रुपये मन तक लेते रहे, यानी कि ये आप अंदाजा कर लें कि कितनी महंगी हमने खरीदी, और आजकल आधो आध रेट कम है, यानी कि 6,200-3,000 रुपये जब मान हम आटा ले रहे थे, आज वही रेट यानी कि आधो आध कम है, 3,200-3,000 रुपये रेट मन है गंदम का, अगर हम इकट्ठी लेकर रख लें तो हमारी आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह जी बच्चों को सारों को नाश्ता दे दिया है, चटनी साथ पकौड़े भी हैं, चाय भी है, सुबह का नाश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह आज छुट्टी है और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह की रहमत से, और पुराने पाक भी पढ़ेंगे, अभी इस समय पुराने पाक का लेकर आ चुके हैं, दोबारा फिर भी जाएंगे लेने के लिए, अब हम खाना भी खाएंगे, चटनी बनती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, वीडियो हम दोबारा मिलेंगे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।